ବିଜେଡିର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଖଡ୍ଗହସ୍ତ। ବିଜେଡି କେ ଲୋଗୋନେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଫୈଲାୟା। ବିଜେଡି କେ ରାଜ ମେଁ ନ ତୋ ଓଡ଼ିଶା କି ସମ୍ପଦା ସୁରକ୍ଷିତ ହେ ଔର ନ ହି ଓଡ଼ିଶା କି ସାଂସ୍କୃତିକ ଧରୋହର ସୁରକ୍ଷିତ ହେ। ମୋଦି କହିଲେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ସିଏମ୍ଓ ଏବଂ ସିଏମ୍ଓ ଆବାସ। ସିଧା ସିଧା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଇସାରା। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି ଜଣେ ମାଫିଆ। ମୋଦି କହିଲେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ମାଫିଆର ଅଣ୍ଟା। ଯୋ ବିଜେଡି ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଜୈସେ ଫର୍ଜିୱାଡ଼େ ସେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୋଖା ଦେତି ହୈ ଓ ବିଜେଡି ନେ ଓଡ଼ିଶା କୁ କ୍ୟା ଦିଆ। ଅଗର ବିଜେଡି ନେ ଓଡ଼ିଶା କୁ ଦିଆ ହେ ତୋ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଦିଆ ହେ ସେଣ୍ଡ ମାଫିଆ ଦିଆ ହେ କୋଲ ମାଫିଆ ଦିଆ ହେ ମାଇନିଂ ମାଫିଆ ଦିଆ ହେ ଔର ବିଜେଡି କେ ବିଧାୟକ ଔର ମନ୍ତ୍ରୀ 24/7 ଇସି ମେ ଲଗେ ହୁଏ। ଖଣି ପାଣି ଉର୍ବର ଜମି ଓ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ଓଡ଼ିଶା ଏତେ ସମୃଦ୍ଧ ପ୍ରଦେଶ ତଥାପି କାହିଁକି ଗରିବ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ କରୁଛି ନଷ୍ଟ। ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ କିଏ କରୁଛି ଧୂଳିସାତ। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଦୁରବସ୍ଥା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ବିଜେଡି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତୃତୀୟ ମହଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ନବୀନ ନିବାସ ଉଭୟକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମେ ଯୋ ଗରିବୀ ଦେଖତା ହୁଁ मेरे दिल में बहुत बड़ा दर्द होता है कि इतना समृद्ध प्रदेश इतनी महान विरासत ये मेरे उड़ीसा को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया, किसने इसके नौजवानों के सपनों को कुचल डाला। एक एक बात मुझे बहुत दर्द करती है, बहुत पीड़ा करती है। और मैं जब देखता हूं इसकी वजह क्यों है, क्या वजह है, इसकी वजह है बीजेडी सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचारियों के कब्जे से गिरी हुई है। मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने मुख्यमंत्री आवास को, मुख्यमंत्री कार्यालय को कब्जा करके बैठ गए हैं। बीजेडी के छोटे छोटे नेता भी करोड़ों के मालिक बन गए हैं। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଜଣେ ମାଫିଆ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛି କହି ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଜେଡି କେ ଇସ୍ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କା ବହୁତ ବଡ଼ା ନୁକସାନ ହମାରେ ନୌଜବାନୋଁ କା ହି ହୋ ରହା ହୈ। ୟହାଁ ସେ ନୌଜବାନୋଁ କୋ ପଲାୟନ କରନା ପଡ଼ତା ହୈ। ବିଜେଡି ସରକାର ୟହାଁ ନିବେଶ କେ ଲିଏ ଉଚିତ ମାହୋଲ ନହି ବନା ପାଇ। एक माफिया है, एक माफिया है जो हर सेक्टर पर कब्जा करके बैठा हुआ है और वह माफिया ऐसा है कि यहां कंपटीशन आने ही नहीं देता। दीर्घ दिन हला राज्यरे विवादीय होइछंती प्रशासक रु नेता पलटिथिबा वीके पांड्यान। କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଶଶିକଳା ସିଣ୍ଡ୍ରମ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ ନବୀନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ। ନବୀନ ପାଲଟିଛନ୍ତି କାଠ କଣ୍ଢେଇ। କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ପୁରା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିଛନ୍ତି ଭୈରବ। ମୋଦି ନାଁ ନେଲେନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆଡ଼କୁ ସିଧାସଳଖ ଇସାରା କଲେ ସେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ।
कहिले बीजेपी सरकार हेले भांगी दिया जीवो सब उपरे कब्जा करथिबा माफियार अंटा। 10 जून को हमारी सरकार आने दीजिए, भाजपा सरकार इस माफिया की कमर तोड़ने वाली है। पांड्यान को सह बीजेडी शासन रो सब श्रेय मुंडाई 5T कहा जाउची। प्रकृत 5T हेउछंती 5 जन तमिल पांड्यान, माथिभातनन, प्रभाकरन, भिनिल कृष्णा और बालकृष्णन। ए 5 तमिल एवं ओडिशा पावर कॉरिडोर रो सर्वशक्तिमान। राज्यर शासन सह विजु जनता दल एवं एमानंक कब्जारे बोली विरोधीं का अभियोग। पूरी श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प हो कि संबलपुर समलई प्रकल्प, बाहर राज्यर कंट्राक्टर को हजार हजार कोटीर प्रकल्प टेकिदेले 5T आउ आदाय कले शह शह कोटीर चंदा। अभियोग हेउछि ओडिया कंट्राक्टर एवं ओडिया लोकंक रोजगार मारुछंती ए 5T माफिया। एने टार्गेट करिछंती प्रधानमंत्री। मैं यहाँ हाईवे के, रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट भेजता हूँ, लेकिन बीजेडी के नेताओं को जब तक कट कमीशन नहीं मिलता तब तक वो हर प्रोजेक्ट को लटकाए रखते हैं। बीजेडी नेता अपने करीबी ठेकेदारों को ही ठेके दिलवाकर आपको हर तरफ से लूट रहे हैं। ओडिशा रो 25 वर्ष बर्बाद करिछि बीजेडी। पीएम कहिछंती आदिवासी को भूमि अधिकार सह संपर्कित समस्या रो समाधान पै उद्दिष्ट पेशा आइन लागू करि परिला नाही 25 वर्ष रो नवीन सरकार। बीजेडी सरकार का पहली बार इस तरह कच्चा चिट्ठा पूरे देश के सामने आ रहा है। आदिवासी हितों को लेकर भी यहाँ की सरकार पूरी तरह बेपरवाह है। 25 साल हो गए नवीन बाबू की सरकार आदिवासियों के लिए यहाँ पेशा कानून तक लागू नहीं कर पाई। इससे आदिवासी परिवारों के भूमि अधिकार से जुड़ी अनेक समस्या जो की त्यों है। मोदी कहिछंती एबे राज्यर गली कंदी घरे घरे गोटिए नारा गुंजरित हेउछि, ओडिशा रे प्रथम थर डबल इंजन सरकार। आज आपको निमंत्रण देने आया हूं, 10 जून को ओडिशा में डबल इंजन सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये सरकार का जाना तय है। ओडिशा के गांव गांव, गली गली, घर घर से एक ही आवाज आ रही है, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार, ओडिशा में पहली बार डबल इंजन सरकार। ओडिशा रे प्रथम थर हैव डबल इंजन सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। मोबाइल फोन ओ संगसाथी आपनको पिलाटीर पाठपडा ओ करियर को प्रभावित करूची कि आपनो सेति पे विद्रुत कि तेबे आज ही असंतु आपनो चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासीय स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।